देश में बिहार में संभवतः पहली बार आज से शिक्षा विभाग ने जो पहल की है वो सबके लिए गौरतलब है। दरअसल शिक्षा विभाग ने आज से बिहार के स्कूलों के जितने भी टीचर हैं सबके हाजिरी को ऐप के माध्यम से लगाने का निर्णय लिया था और आज ही की तारीख तय की गई थी। राज्य में तकरीबन 6 लाख शिक्षक हैं जिनको ऐप के माध्यम से अपनी हाजिरी लगानी थी और आज पहला दिन था। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार ये ऐप से हाजिरी लगाने की जो प्रक्रिया है ये अभी ट्रायल मोड में है और तकरीबन 3 महीने तक इसे देखा जाएगा। आज चूंकि पहला दिन था तो ऐसे में कई शिक्षकों ने हाजिरी तो लगाई लेकिन ऐसे शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा रही जिनको अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा क्योंकि इसमें कई तरह की खामियां नज़र आ रही थी। इनमें नेटवर्क प्रॉब्लम से लेकर के ऐप में लॉगिन होने से लेकर के कई अन्य तकनीकी खामियां सामने आ रही थी। बहुत जगह ऐसी समस्या आई जहां विद्यालय में उपस्थित होने के बावजूद विद्यालय से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर बता रहा था, वह ऐप सही लोकेशन पर काम नहीं कर रहा था। बहुत सारे लोग का जो है यूजर आईडी लोग डाल रहे थे उसके बावजूद नहीं खुल पा रहा था। पासवर्ड सही भी डाला जा रहा था फिर भी नहीं खुल पा रहा था। अब TRE 1 और TRE 2 में जो अपॉइंट लोग हुए हैं उन लोगों को अभी तक यूजर आईडी मिला ही नहीं है तो फिर उनकी समस्या है, वो ऐप खोल नहीं पा रहे थे। कुछ लोगों की समस्या यह हुई कि जब ऐप उन्होंने खोला और जैसे ही फोटो लेना चाहा तो ऐप काम करना बंद कर दिया। कुछ लोगों का था कि पिक्चर तो खींचा गया लेकिन वह अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो इस प्रकार से पूरा सिस्टम कहीं नेटवर्क की समस्या थी, तो इस तरह से पूरे राज्य में समस्या आई है। अब देखना ये होगा कि इन खामियों को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग कितने दुरुस्त कदम को उठाता है क्योंकि बिहार ने जिस तरीके से शिक्षकों के उपस्थिति को लेकर के ये पहल की है ये अपने आप में बिल्कुल अनूठी है।